गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। अब इसमें ना मिक्स क्वेश्चन हुआ करेंगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट, चाहे उसमें कितने भी क्वेश्चन हो, ये आपका ना टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन जो है उस पे से मैं आपको कराया करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, थोड़ा सा वीडियो को ना सहयोग देना, जिससे कि ये क्वेश्चन कराने में मदद हो सके। स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार का होता है? तो देखो, व्यंजन होते हैं घोष और अघोष। कौन कौन से होते हैं? घोष अघोष। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है री की ध्वनि। देखो अ, ई, ऊ और री चार होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अ, ई, ऊ, ये क्या है? ये हैं आपके ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि तत्सम बताओ, तो तत्सम कौन सा? एकादश है ना। नेक्स्ट, अब इसमें भी तत्सम कह रहा है, तो तत्सम क्या हो जाए? ग्रामीण। और गेहूं का क्या होता है? गोधूम, ये याद रखना। गधा का गर्दभ होता है। अब इसमें कह रहा है देशज, देशज कौन सा हो जाएगा? देखो अलमारी क्या है? पुर्तगाली भाषा का है, तो कटा दूंगा। बाल्टी भी है। कैंची क्या है? तुर्की वगैरह का है, तो ये क्या हो जाएगा? डोंगा। ऐसे तुक्का भी लगा सकते हो। अग्नि का पर्यायवाची बताओ, अग्नि का क्या होगा? पावक, हुताशन, ठीक है। अनिल, और इसका होता है अनल। अनिल किसका होता है? हवा का। आंसर क्या आ जाएगा इसका? पावक। नेक्स्ट है अंगजा। अंगजा का बताना है कि अंगजा का क्या होगा? तो नंदिनी होगा या सभी होंगे, तो ये हो जाएगा नंदिनी। क्या हो जाएगा? नंदिनी। और देखो पहले मैं ना इसे सॉल्व कर लिया करूँ खुद, जिससे कि आपको बताने में ईजी रहे। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें ऐसे सही नहीं है? स्वाधीन का पराधीन, दाता का विदाता नहीं होता, दाता का होता है याचक। नेक्स्ट है अस्ताक्षर का विलोम। अस्ताक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? इसका होगा उद्याचल। नेक्स्ट है अंत और अंत्य। अंत मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। और अंतिम कहते हैं ना अंत्य कुल में, नीच कुल में। नेक्स्ट है अश्व असम। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, असम का पत्थर। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी बताओ, शुद्ध किसकी? प्रयाग की है। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी बताओ, तो क्या हो जाएगा? अधिवेशन, छोटी या जी खतरनाक होता है, बुद्धिजीवी, तटस्थ, सही है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? जाति कहाँ हो जाएगी बताओ? नीरज, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक नहीं है, मतलब व्यक्तिवाचक लगा दो ना, नीरज। यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मतलब अनिश्चय। समूहवाचक बताना है, समूह कौन सा हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा परिवार। रोको, समूहवाचक नहीं है, सॉरी, ये नहीं पे भी ध्यान देना है, देखो, ठीक है, ऐसे गलत हो जाते क्वेश्चन। तो तालाब इसमें समूहवाचक नहीं है। नेक्स्ट, इंदौर स्वच्छ है। स्वच्छ क्या है बताओ? विशेषण ही तो है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया बताओ। सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा? उड़ रहे हैं, गलत। सोता रोता नहीं, सफाई की। अकर्मक बताओ इसमें से, अकर्मक कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है, तो सामान लाना, पढ़ना, सब्जी लाना, कौन सा हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, पढ़ता है। इस वाले में ना मेरे को वैसे भी डाउट था, इस वाले को थोड़ा छोड़ दो आप लोग, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा डाउट गलत हो सकता है, इन लोगों ने दे रखा हो, मगर छोड़ दो इसे। अब ये कह रहा है कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, अव्यय बताना है इसमें कि अव्यय इसमें कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा अव्यय हो जाएगा इसमें? कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, तो के बाद, काकी के, क्या हो जाएगा? संबंध। हट और दिक, ये सब क्या है बताओ? ये है आपके तिरस्कार कर रहे हो। पुल्लिंग बताना है, तो देखो थकावट हो गई, कवच अच्छा है, ठीक है, कवच क्या अच्छा है। नेक्स्ट है पुल्लिंग बताना है इसमें से, पुल्लिंग में चमक अच्छी है, अकाल पड़ गया। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग बताना है, तो चंद्रमा अच्छा है, वर्ष अच्छा है, हिमालय अच्छा है, मधुरता अच्छी है। स्त्रीलिंग बताना है, तो देखो कुमार अच्छा है, विकास अच्छा है, समुदाय अच्छा है, भलाई हो गई। नेक्स्ट है पंचमणि बताना है कि इसमें से उपसर्ग अलग करने पर मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द हो जाएगा इसमें से मणि, ठीक है। भरपाई में उपसर्ग बताना है, तो क्या हो जाएगा? भर। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? 22। अच्छा ये बताओ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं या डायरेक्ट बस आपको पढ़ के और आंसर लगा के बताता चलूं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दुष्पसर्ग बताना किसमें से हो जाएगा? तो देखो दुस्साहस में हो जाएगा। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? आन प्रत्यय हो जाएगा मिलान। व्यथित में क्या हो जाएगा? इत। आई प्रत्यय से कौन सा बनाया बताओ? चतुर्धन आई, चतुराई। चंद्रधनोदय, चंद्रोदय। नेक्स्ट है उद्घाटन, तो उत्धन घाटन। नेक्स्ट है परिच्छेद, तो परिधन छेद। नेक्स्ट तद्धित, तत्धन हित, कहाँ लिख रहा है? तत्धन हित। धड़ाधड़, धड़ाधड़, तमातम, मतलब जब भी दुरुक्ति आ जाए ना, तो क्या हो जाएगा आपका अव्यवाह। अब ये कह रहा है तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो दाल और रोटी, ये द्वंद्व हो जाएगा। जल धारा, जल की धारा, काकी के किसमें आता है? संबंध। घर घर, क्या हो जाएगा? अव्यवाह। नेक्स्ट है पत्र लेखन के विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है औपचारिक में। ये कह रहा है प्रेषक का पता दाई ओर, नहीं बाई ओर, सॉरी, कहाँ लिखा जाता है? बाई ओर, याद रखना। अब ये कह रहा है गुण बताओ, तो संक्षेपण कितने में लिखा जाता है? ये कई, एक सेकेंड, अब मैंने ना ये थोड़ा बंद किया हुआ था इसका नेट, हो सकता है उसकी वजह से बंद हो गया हो। चलो अब एक चीज़ याद रखना, संक्षेपण ना 1/1/3 में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो इसका आंसर क्या था? एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अभी हम इसे 30 पे ले आते हैं, 40 पे थे ना, हाँ
संक्षेपण का ये कह रहा है कि कौन कौन सा गुण है, संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। अनुरक्त का क्या हो जाएगा बताओ, विलोम विरक्त। ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो क्षत्रिय, कैसे लिखा जाएगा इस तरीके से। अब देखो इसमें ये आप गद्यांश को छोड़ दो, ठीक है। अभी हमने कितने मिनट में कर लिए, हमने इसे 5 मिनट में कर लिया, उसमें भी मैंने आपको ये बीच में रुक गया था, ठीक है, और मैंने आपको शुरुआत में समझाया ये अगली बार से नहीं होगा। तो मतलब कि आपको 4 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है, और कहोगे तो ये बता देना गद्यांश के अगली बार से मैं आंसर बताऊं या न बताऊं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है तो ये भी बता देना आप लोग, ठीक है। तो अब ये हिंदी की वीडियो आपको अलग से मिला करेगी और बाकी सब्जेक्ट की सुबह सुबह अलग मिला करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना यार, सपोर्ट करना, आप लोगों की सपोर्ट मिलेगा ना तो ये कंटिन्यू रहने में मदद मिलेगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये तरीका। इसी के साथ अपने आप लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।